नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि चहलुम, मुसलमान भाइयों का त्यौहार चहलुम क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आपको। वैसे सरकार ने 7 सितंबर को चहलुम की छुट्टी दी है, तो कल चहलुम की छुट्टी है। तो चहलुम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम महीने के 10वें दिन, जिसे असूरा भी कहा जाता है, सिया मुस्लिम समुदाय में चहलुम नामक एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत की याद में मनाया जाता है। इसमें चहलुम के दौरान सिया मुस्लिम समुदाय के लोग इमाम बाड़ों में यानी मज़ारों में इकट्ठे होते हैं और इमाम हुसैन की कहानी सुनते हैं, जिसमें उनकी शहादत और वीरता की कहानी शामिल होती है। वे उनके बलिदान की महत्वपूर्णता पर बातचीत करते हैं और उनकी प्रेरणा से लाभ उठाते हैं। चहलुम के दौरान भक्त अक्सर अपनी श्रद्धा और आवाज़ उठाकर मातम करते हैं। वे खुद को कटे हुए वस्त्र पहनते हैं, अपने सिर पर अस्फर रखते हैं और मातम की एक विशेष प्रक्रिया को पालते हैं, जिसमें वे धार्मिक गीत गाते हैं और आपसी सहानुभूति का संकेत देते हैं। यह त्यौहार एक गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के साथ आता है और इसका मुख्य उद्देश्य श्रद्धांजलि और भक्ति के साथ इमाम हुसैन की याद में लोगों को जोड़ना होता है। और इस तरह से चहलुम क्यों मनाया जाता है? चहलुम एक पारंपरिक भारतीय मुस्लिम त्यौहार है जो मुहर्रम महीने के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्यौहार सिया मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम के आखिरी दिन को आता है और इसे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है, जो इमाम अली के पोते और प्रेरणा स्रोत। चहलुम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम के 10वें दिन यानी इमाम हुसैन की शहादत के दिन उनके स्थानीय मस्जिदों और इमाम बाड़ों में इकट्ठा होते हैं। वहाँ इन्हें हुसैन की किस्से सुनाई जाती हैं, जो उनकी शहादत के पीछे की कहानी होती है। उसके साथ ही लोग अपने आवाज़ उठाकर मातम करते हैं और उनकी याद में कुर्बानें अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए रोते भी हैं। यह त्यौहार भक्ति, सैन्य और धार्मिक माहौल के साथ आता है और लोग इसे आदर और श्रद्धांजलि का माध्यम मानते हैं। चहलुम के दौरान भक्तों के बीच सैलाब मातम जुलूस और जुलूसियाँ निकाली जाती है, जो इमाम हुसैन की शहादत की याद में होता है। तो ये भारत में चहलुम की ये परंपरा है, जो मुसलमान भाइयों का एक त्यौहार है। अब इसका महत्व क्या होता है? इस्लाम में चहलुम का क्या महत्व है? इस्लाम में चहलुम का महत्व बहुत अधिक होता है, खासकर सिया मुस्लिम समुदाय में। चहलुम का महत्व मुहर्रम महीने के 10वें दिन को मनाने के पीछे इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में शहादत की कहानी और धार्मिक महत्व के कारण होता है। चहलुम का मुख्य उद्देश्य इमाम हुसैन की और उसके साथियों को करबला में शहादत की याद बनाया है। यह उनके बलिदान को समर्पित और मानवता के लिए न्याय और सच्चाई की बड़ी मिसाल मानी जाती है। इस तरह से भारत में मुसलमान भाई लोग चहलुम मनाते हैं इमाम साहब के और उनके साथियों के शहादत के रूप में। यह एक यूं कहा जाए तो शहादत के रूप में भी चहलुम मनाया जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।